अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ुबैदा आपा ने ख़वातीन की आसानी के लिए बहुत से टोटके बताए हैं जिनका यकीनन रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ायदा होता है। ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। कॉर्नफ्लावर हर घर में ही मौजूद होता है। इसे लोग सूप या सालन को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चटनी और सॉसेस को भी गाढ़ा करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कॉर्नफ्लावर के बहुत से इस्तेमाल हैं। कॉर्नफ्लावर और मकई के आटे में पहले तो फ़र्क देख लेते हैं। मकई के दाने को पीसकर जो बारीक पाउडर बनाया जाता है जिसका रंग जर्द होता है और उसका जायका काबिल फ़हम होता है। ये मकई का आटा होता है, जबकि खालिस मकई का नशास्ता कॉर्न स्टार्च जिसको कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, ये सफ़ेद रंग का होता है और बेजायका होता है। अब मेरे ख़्याल से मकई के आटे में और कॉर्नफ्लावर में फ़र्क समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम कॉर्नफ्लावर के इस्तेमालात देख रहे हैं। फ्राई करने के लिए सब्ज़ी फ्राई करनी हो या गोश्त, इन्हें एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना हो तो कॉर्नफ्लावर का लेप इस पर करें। इस मकसद के लिए कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाने की या फिर इसे ब्रेड क्रम्स में शामिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डायरेक्ट ही कॉर्नफ्लावर से इसको कोट करके फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आमलेट बनाते वक्त, अगर आमलेट बनाते वक्त अंडे फेंटते वक्त अपने पसंदीदा मसाले भी शामिल करने के साथ साथ कॉर्नफ्लावर शामिल कर लिया जाए तो एक मुकम्मल फ्लफ़ी और फूला हुआ आमलेट बनता है। गोश्त की नमी बरकरार रखने के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि गोश्त नरम और जूसी बने और गोश्त की नरमी भी बरकरार रहे तो फिर गोश्त में दीगर अज्जा के साथ कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च का भी इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लावर को गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। ऐसा करने से गोश्त की नमी बरकरार रहती है और एक रसीली सी कोटिंग भी हासिल हो जाती है। बेकिंग करते वक्त, अगर आप पाई या केक बना रहे हैं और आपसे अमीज़ा पतला हो गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़े से कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें और अमीज़े को गाढ़ा कर लें। इसके अलावा आप इसे अंडे के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाने से इसे अंडे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टिप इन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो ग्लूटेन से पाक बेक्ड आइटम्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लावर में ग्लूटेन मौजूद नहीं होता है। ऐसी बहुत सी तरकीबें तलाश करें जिनमें आप इस हैक को इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। आजकल फ़्रिज हर घर की ज़रूरत है और टिशू भी हर घर में ही इस्तेमाल होता है। टिशू और फ्रिज के हवाले से आज हम एक छोटी सी टिप देखेंगे। एक टिशू रोल को फ्रिज के इस हिस्से में जहां पर आप सब्जियां और फल रखते हैं वहां पर रख दें, तो चंद हफ्तों बाद आप इसको तब्दील करते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि फल और सब्जियों से निकलने वाली नमी को टिशू जज्ब कर लेगा और वो जल्दी गले सड़ेंगी नहीं। अगर आपके घर में भी सब्जियाँ और फल फ्रिज में रखे रखे गल सड़ जाती हैं तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो ख़वातीन जो सफाई पसंद हैं और अपना गंदा फ्रिज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, टिशू को फ्रिज में रखने से फ्रिज की इजाफी नमी भी जज्ब होती रहेगी और लाइट जाने की सूरत में भी फ्रिज से निकलने वाला पानी जज्ब होता रहेगा। उम्मीद है कि आपने इन टिप्स से इंजॉय किया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।